खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के कांटी विधानसभा के डॉक्टर मनीर आलम ने हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव से कांटी विधानसभा की समस्याओं को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि कांटी में भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई भी काम के लिए ग्रामीणों को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, अपने माध्यम से कांटी के ग्रामीणों के लिए हर सुख दुख में बराबर सहयोग करता हूँ। इस बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव की यात्रा से ग्रामीणों में उल्लास है। पहली बार नेता पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अगर इस बार पार्टी हमें मौका देती है तो कांटी विधानसभा से समीर आलम को चुनाव में उतारूंगा। मैं उनको जीत दिला सकता हूँ। मतलब कि आप कांटी में अच्छे लोगों अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, लोग आपको चाहते हैं, कांटी में चाहते हैं, तो अब मैंने बराबर अब सुख दुख में अपने ग्रामीणों के साथ में खड़े रहे हैं आप, तो जैसे अभी कांटी में मूलभूत क्या समस्या बनी? मूलभूत समस्या जो अभी वर्तमान में जो विधायक हैं जी, उनका मूलभूत समस्या से कोई मतलब नहीं है। अंचल प्रखंड में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहा है। दाखिल खारिजों में 5 से 6 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। विधायक के पास जाया जाता है तो वो बोलते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जाओ कुछ ले दे के अपना काम करा लो। जनता उनसे काफ़ी विरोध में है, जनता देखना नहीं चाह रहा है। सभी समुदाय के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। उनको अगर उनको पुनः टिकट मिलती है तो उनका कोई स्थान ही नहीं रहेगा। एक दो तीन होता है वो नहीं, कोई स्थान नहीं रहेगा। तो अभी तो सीटिंग विधायक है जिसे सीटिंग विधायक हाँ, तो उनसे क्षेत्र में बहुत नाराजगी ज़्यादा है, क्षेत्र में नाराजगी बहुत ज़्यादा। सभी धर्म सभी समुदाय के लोग उनसे नाराजगी है, चूँकि किसी का काम ही नहीं किए। अच्छा, तो आप क्या कुछ करना चाहते हैं इस कांटी विधानसभा में, क्या सोच रखा है? अगर हमको मौका मिलता है, अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो सभी क्षेत्र के गरीब गुरबाओं का मैं काम करूंगा। क्षेत्र में 24 घंटा मैं सेवा यहां हॉस्पिटल के माध्यम से मैं दे रहा हूं। अंचल में प्रखंड में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मैं उनको समाप्त करूँगा। मतलब कि प्रखंड स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार है उसको आप समाप्त करेंगे, तो पार्टी में कैसे टिकट का कैसे होगा? पार्टी में टिकट के लिए मेरा जो लड़का है समीर आलम बबलू, वो लगे हुए हैं लगभग प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक सभी लोगों के बीच में जा चुके हैं। सभी इनकी कर रहे हैं, वो लोग को भी जानकारी मिल गई है कि यह लड़का बहुत ही चरित्रमान है और चुनाव को जीत सकता है। आशा है कि जीत सकता है, इसलिए पार्टी को, तो पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी को टिकट देना चाहिए, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो उनको काफ़ी नुकसान होगा, 11 विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का झेलना पड़ेगा उनको। मतलब कि चिन्ह अच्छे व्यक्ति को लोग को चुन करके, इसीलिए आज का जो उनका जो अपना जो चल रहा है संवाद, संवाद का क्या मतलब? संवाद का मतलब है कि वो कार्यकर्ता को नीचे स्तर से प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर से बुलाए हैं और वस्तु स्थिति क्षेत्र का क्या है उसको जानने के लिए बुलाए हैं और जानने के बाद ही अपना निर्णय लेंगे। हाँ, विधानसभा, इसका मतलब है कि वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? एकदम, विधानसभा 2025 की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं और छोटे कार्यकर्ताओं से भी अपना फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर क्षेत्र का स्थिति क्या है। जी जी, वो सब लोग अपना बात कर रहे हैं, सब लोग अपने स्तर से उनके सामने अपनी गंभीरता से बात को रख रहे हैं। अच्छा, जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो हम कहना चाहते हैं कि मेरे पक्ष आइए, मेरे साथ है, मैं आपकी भला करूँगा। आपकी जो भ्रष्टाचार चल रही है अंचल में, जो 3 से 4 हज़ार लग रहा है, मैं उसको मुक्त करूँगा। देखिए, इनसे बात करने के बाद में ये पता चला है कि इनका कहना है कि अभी इस कांटी विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है और अभी तेजस्वी जी जो संवाद कर रहे हैं, इस संवाद का अपने एक छोटे से भी कार्यकर्ता से विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार विमर्श कर ही उन लोगों से उनके सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं। क्या उनका कहना है, क्या वो चाहते हैं, किस तरह से हमारा देश मतलब हमारा बिहार विकास करेगा और हमारी पार्टी की कैसे स्थान अच्छी और बनेगी, इसके लेकर के वो जुटे हुए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 2025 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला वक्त बताएगा क्या किसको कहाँ से टिकट क्या मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है,
इसी सिलसिले में हम आए हैं मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा में, जहां पर डॉक्टर मनीर आलम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, कांटी से बिलोंग करते हैं और विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी इनकी चर्चा। पहचान के मोहताज नहीं हैं, गरीबों के जनता के बीच में बराबर सुख दुख में बराबर का सहयोग किए हैं, जनता इन्हें सराहती भी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगला विधानसभा जो चुनाव 2025 में होने जा रहा है उनकी क्या तैयारी है, पार्टी के लिए क्या करेंगे, और पार्टी में कई वर्षों से लगातार जूझते आए हैं और आज वरिष्ठ बने हुए हैं कार्यकर्ता अपने पार्टी के लिए, अच्छी छवि है पार्टी में और अच्छे लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं क्या इनकी सोच है कि कांटी विधानसभा को लेकर के कहाँ क्या क्या कुछ इनके मन में है और क्या कुछ करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं जी, अपना पूरा परिचय। हाँ, मैं डॉक्टर मनीर आलम सिमरा इमरजेंसी हॉस्पिटल मरमन में चलाता हूँ। मैं अपने स्तर से गरीब गुरबों की मदद करता हूँ, शादी ब्याह में भी किसी लड़की गरीब निर्धनों को भी मदद करता हूँ। जी, और 2025 में जी चुनाव की तैयारी, समीर आलम बबलू जो मेरे लड़का हैं जी वो कर रहे हैं, उनका भी चरित्र बहुत ही बढ़िया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और जनता के बीच में आते जाते भी है, जनता का काफ़ी दुख सुख में मदद करते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितने वर्षों से आप राष्ट्रीय जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ। तो तीन तीन लोकसभा क्षेत्र में जी रघुवंश बाबू के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा और तीन बार उनको जिताने का काम किया। मतलब कि काफी वर्षों से आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में 1996 से लेकर आज तक आप कार्य कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कांटी विधानसभा ही क्यों चुने? कांटी विधानसभा क्षेत्र जो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मेरा अपना गांव का क्षेत्र है, मेरा प्रखंड और विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं उस क्षेत्र में आता हूं, इसलिए मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र चुना। और इसमें अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की जो तादाद है 70,000 के आसपास है, इसलिए मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर चुना। तो आपके साथ में मुस्लिमों की भी है, तो क्या सर्वधर्म के जाति के लोग आपके इस पंचायत में मौजूद हैं? तो कैसा संबंध है आपके सभी लोगों के, ग्रामीणों के साथ में, इसके बारे में बताइए। सभी ग्रामीणों के साथ कोई धर्म नहीं, कोई भेदभाव भी नहीं है, सबका हम कल्याण, सबकी भला, सबका फ्री इलाज, सस्ते दाम में इलाज, अस्पताल में मरीजों को मुफ्त फीस, किसी प्रकार की चिकित्सा का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। सभी जनता, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग मेरे पक्ष में हैं और हमारी सराहना करते हैं। मतलब कि आपका मरवन में जो ये सिमरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल के माध्यम से आप अपने जितने भी कांटी के ग्रामीण हैं और जनता हैं उनके बीच में, मतलब कि निष्पक्ष भाव से आप उनकी सेवा प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। अच्छा, आप क्या कांटी विधानसभा में क्या कुछ सोच रखा है, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या कहना चाहते हैं? पार्टी अगर हमको मौका देती है तो हम पार्टी के सशस्त्र। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।